बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक वर्कर को, क्यादत को, एमएनएस, एमपीएस, स्टेक होल्डर्स, खैरखा, वोटर्स, हर वो शख्स जो खान साहब से मोहब्बत करता है और आज रावलपिंडी लियाकत बाग एहतजाज में शामिल था, वो जो शामिल नहीं थे और घरों में बैठे हमें सपोर्ट कर रहे थे, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये मुबारकबाद मेरी तरफ से नहीं है, ये मुबारकबाद आपके और मेरे कायद इमरान खान साहब की तरफ से है कि किन मसाइल में, किन जबर और जुल्म के हालात में, किस तरीके से आपने शेलिंग के दौरान स्ट्रेट फायरिंग को फेस करते हुए आपने कंटेनर्स हटाए, आप रस्ते साफ करते रहे, बच्चे, औरतें, खवातीन, बूढ़े सब इस एहतजाज का हिस्सा बने, आपने ये जबर बर्दाश्त किया मगर आप डटे रहे, खड़े रहे, अदलिया के हक में आपने आवाज उठाई, आईन के तहफ्फुज के लिए आपने आवाज उठाई, मैंडेट चोरों के खिलाफ आज आपने आवाज उठाई और आपका पैगाम रोज बरोज बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे पाकिस्तान ने सुना। खान साहब बहुत खुश हैं और उन्होंने, मैं दोबारा कहता हूं, आपको मुबारकबाद भेजी है। इसके साथ ही मैं ये बताता चलूं कि आपका आज बाहर निकलना, इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलना अदलिया के लिए और अदलिया की आजादी, अदलिया की तहफ्फुज के लिए एक अहम पैगाम था, एक बड़ी सपोर्ट थी। आज पाकिस्तान की अदलिया को ये यकीन हो चला कि पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़े हैं। ये इशू तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी का और ये कौमी इशू है, इसके लिए सबका निकलना फर्ज था और आपने आज वो फर्ज पूरा किया है। याद रखिएगा, खान साहब ने एक और पैगाम भेजा है और वो पैगाम आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अहम है और वो पैगाम है 2 अक्टूबर को आप सबने बरोज बुध निकलना है मुल्तान शहर में, मियांवाली शहर में और फैसलाबाद शहर में। एहतजाज होंगे, आपके साथ आपके रीजनल प्रेजिडेंट्स, आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स कोऑर्डिनेट करेंगे। सो मुल्तान, फैसलाबाद और मियांवाली तैयार हो जाओ, 2 अक्टूबर एहतजाज का दिन है, खान की पुकार है, आपका निकलना फर्ज है। बहुत शुक्रिया।